गोवा के जंगल में जितने भी फल होते हैं उसमें से काजू का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ के किसानों की और आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी से पूरे काजू के उत्पन्न पर निर्भर रहती है। आमतौर पर किसान लोग अपने घर के आसपास के पहाड़ी पर जमीन तैयार कर काजू के पेड़ तैयार करते हैं, पर इन दिनों में इन्हीं पहाड़ी पर अधिकार आजमा कर गोवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आदिवासी लोगों में संघर्ष चल रहा है। इतले वर्ष लायले खरें म्हळ्यार 15 वर्स जाली आमी कामत करून तें लावूंक लागल्यार ते सांगता 5 वर्स जाले म्हण तेतू म्हळ्यार हे फॉरेस्टर ह्या वटेनच्यान भोंवप जालें ना तेका लागून तेंकां दिसलां दिसता। आतां हांगासर सद्या अंदाजे कितले काजू मारले तेंच्यानी फॉरेस्टान? अंदाज 1000 भर जावंक शकतले। कितल्या लोकांले म्हणले? 15 लोकांले। प्रत्येकाले कितले कितले सुमार? 150-200 अशें जातले। कित्याक मारले अशें दिसता? आपल्या हितून केले म्हूण सांगू। जर आतां समज काजू अशें करून हें जालें समज काजू उत्पन्न समज बंद पडलें न्ही जाल्यार तुजेर कसली पाळी येतली हेजे फुडें? आमी आनी कांयच खंयच्यान पडत शकना, शेत कांय ना, खावची म्हणलें ते खावचे पुरतीच आमगेली आसा, इतली चालले ती, तेजे भायर आसली ती बाई मातशी म्हणून आमी थोडेशे काजू लावया म्हणून हें केल्लें, लक्षांत घेतलें। ह्यो तर आमकां ना जाल्यो जाल्यार हेजे फुडें आतां काम कितें, कोणाले कितें 2 रुपये दिलेले आनी खंय कामां वचून हजेरे वचून पोट भरपाचें आनी भुरग्यांक पोसपाचें। आज वन कायदो आसा, वन कायद्यानुसार अधिकार मेळपाची प्रोसेस आज सुरू जाल्ली आसा। म्हणजे ही जी झाडां मारलेली आसा ती त्या वन कायद्याच्या अनुसार त्या कायद्यानुसार मारली काय कितें हें आमकां ह्या संदर्भातलो जाप तांकां विचारपाक जाय आशिल्लो आनी म्हणून आज RFO कडेन आमी हें विचारपाक आयिल्ले। त्यामुळे लक्षांत आयलें की हीं झाडां की मारपाचो आदेश तांकां कोणी दिलो ना। म्हाका दिसता की हाका हाचे फाटल्यान एक मोठें षडयंत्र आसा अशें लक्षांत घेता की ताजेर की योग्य कारवाई जावची, की ह्या जे अधिकारी आसा ताजेर एक्शन घेवची अशा तरेची आमची ह्या मागणी आसा। त्या म्हणलें आसा की एक साधारण 8 डिसेंबर वाट पळयतले। एक घटना घडली ती तब मैं व्हिडिओ करते समय यहां के लोकल MLS रमेश तवडकर ने इस पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन तब वो विरोध में थे, अब वो मंत्रालय में आए हैं। इस पर अब उन्होंने आवाज उठाकर इस समस्या का हल ढूंढे। इंडिया 100 के लिए मैं देवीदास गांवकर, कानकोणा, गोवा से।